नाहन के मोगी नंद में तीसरे चरण में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा युवा खेल उत्सव का आयोजन किया गया। इस युवा खेल उत्सव में करीब 2,500 युवाओं ने हिस्सा लिया। खेल उत्सव के दौरान मेडिकल चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। नाहन विधानसभा के मोगीनंद में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा खेल उत्सव का आयोजन किया गया। खेल उत्सव का शुभारंभ हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि जयराम सरकार खेलों को लेकर बेहद गंभीर है, ताकि युवा नशे व अन्य बुरी आदतों की तरफ ना बढ़े और खेलकूदों की तरफ आकर्षित हों। उन्होंने कहा कि कुश्ती व कबड्डी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले हर युवा को नगद राशि दी जा रही है। जी डॉक्टर, खेल उत्सव अपने आप में एक नया प्रयोग, अपने इलाके के बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए, समाज में अग्रणी बनने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, भारतीय खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए खेल उत्सव, ये तीसरा खेल उत्सव आज मोगीनंद में हो रहा है, जिसमें 12 पंचायतों की कबड्डी की टीमें और 12 पंचायतों के ही हमारे पहलवान वो कुश्ती में भाग लेंगे। प्रातःकाल से शाम तक चलने वाले इस कार्यक्रम में अनेक प्रकार की नई व्यवस्थाएं खड़ी की हैं। कबड्डी में जीतने वालों को 3,100 रुपया, हारने वालों को 2,100 रुपया और कुश्ती में भाग लेने वालों को डाइट मनी 200 रुपया और माली जीतने वाले को 5,100 रुपया और माली सेकंड पर रहने वाले को 3,100 रुपया। ये अपने आप में प्रोत्साहन का एक अनन्य प्रकार का कार्यक्रम नाहन विधानसभा क्षेत्र में शुरू किया है। हमारी आशा और अपेक्षा है कि युवा नशे से दूर रहें। श्री जयराम ठाकुर जी ने नशा मुक्त हिमाचल का आह्वान किया है, नशा मुक्त सिरमौर, नशा मुक्त नाहन, ये हो, इसमें हम सब लोगों को भागीदार बने। खेल उत्सव के दौरान चिकित्सा जांच शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। अंतिम चरण में ग्रामीण युवा खेल उत्सव का आयोजन नाहन में किया जाएगा, जिसमें 3 जोन की विजेता टीम में हिस्सा लेगी। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।